और मुंह पे क्या रेड रेड हर जगह वो अब बड़ा हो गया ना असली या बड़ा हो गया छोटा हुआ था तुमने देखा ही नहीं है। चाय हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, चाय के बगैर हम काम नहीं कर सकते। ओए 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 और लोगों को इतना गुस्सा आ जाना है यार बहुत। चाय तो अच्छी होती है, चाय तो अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, बाबा आपकी दुआओं से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज का व्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है, आपने एंड तक देखना है तो देर ना करते हो सीधा बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। वाह जी वाह, आज तो मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मम्मा, आज अपना साग काट रही है। साग काट रही है, देखो माशाल्लाह अपने धनिया बताऊं ये देखो मुंह में, ये तो आपने कई दफा घर में बनाए हैं ना, बनाए भी है और कल किसी को एक टोकरी भर के दी है। अभी ये देखो काफी लगे हुए हैं, बहुत लगे हैं। ये देखो कितने लगे माशाल्लाह, आज सारा काट रही है। सब लोगों का खत्म हो गया, हमारा अभी तैयार हुआ है। वैसे तो हमने तीन चार दफा खाया है लेकिन हमारा अभी तैयार हुआ, अब मैं काट रही हूँ। मैंने कहा आज हम साग बना रहे हैं। ये धनिया है, ये धनिया है, ये धनिया है। अच्छा ये कैसे हाँ, बड़ा हो गया ये। अच्छा और भी असली हालत में नहीं आएगा जैसे होता है वो? अब बड़ा हो गया ना असली हालत। अच्छा, में अच्छा, 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 या बड़ा हो गया, छोटा हुआ था तुमने देखा ही नहीं है। तब नहीं देखा मैंने, नहीं वैसे अंदर अंदर है उस तरह का। अभी है ये देखो, ये देखे ये देखो इसमें है, इसमें है बिल्कुल सही बात। ये अम्मी अब पकाना है जो आपने तोड़ा है? हाँ आज पकाना है। सही, ये किधर? इधर इस घर में? उधर इधर भी है, इधर बना लेंगे। आज हवा चल रही है ना, उधर आग नहीं जलेगी। अब मैं इधर पालक काटने लगी, पालक भी है तुम। अच्छा वाह, हर चीज है माशाल्लाह। पालक ये देखो ना, ये पालक है, ये वाली पालक। साग तो मैंने काट लिया, थोड़ा सा और काट लूंगी। अब पालक है, ये नींबू भी है, ये अभी फूट रहे हैं, ये देखो सही जबरदस्त हो रहा है। नींबू भी है, ये कचनार है। ये क्या? कचनार, कचनार। अच्छा। ये इसके सारे पत्ते झड़ गए ना, अब नहीं आएंगे। अच्छा ये तो सिर्फ टहनी है, टहनी है ये, आप देखना इधर से निकलेंगे ये। अच्छा सब जैसे ही निकलेंगे। सही ये नींबू, ये कचनार जबरदस्त अमिया, ये तो बड़ा प्यारा है। माशाल्लाह हर चीज लगाते हैं। अब ये पालक अब ना इसका एक महीने बाद सारे काट के ना इधर से पक जाएंगे, न्यू चीजें लगाएंगे, न्यू भिंडी लगाएंगे। अच्छा। और जो सब्जी है बेल तोरी वो लगाएंगे। सही जबरदस्त। अम्मा ये भी पालक है? ये नहीं, ये साग है। ये मैंने कहा इसके ना फूल आए हैं, इसको नहीं तोड़ना। इसका बीज बनेगा, बीज बनेगा। ये मूंगरे है, जबरदस्त मोगरे। आज अभी आते रहते हैं ये, आज तोड़ने और किसी को तोड़ के दे देंगे। सही सही, कल भी किसी को ही दिए हैं तोड़ के, खुद नहीं बनाए मैंने। वाह, बनाए तीन चार दफा बनाए मैंने, कहा सारे हम ना खाते रहे। ये देखें जी, ये है साग कितना जबरदस्त, और बीच में धनिया पड़ा हुआ है। धनिया भी डालते हैं? हाँ, साग में डालता है। वाह, ये तोड़ते पता कैसे, ऐसे ऐसे करके साग तोड़ते। किसकी डहनियां नहीं तोड़नी हमने, है ना? हाँ वो ना फूल निकले हुए, अब अगर ना निकले होते तो मैंने तोड़ लेने। माशाल्लाह जिनकी खार की खेती हो उसका किस चीज की कमी, किसी चीज की कमी नहीं, बिल्कुल ही अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हमारे बड़ों की दुआएं हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे चाहे इतनी है हमारे लिए, ये लाखों करोड़ों की, करोड़ों की, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह मियां सबको दे, हमारी तो ये दुआ। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक सबको दे। अल्लाह मियां सबको, मेरी इतनी दुआ कि सबको दे अल्लाह मियां, जिनकी नहीं ना अल्लाह मियां उनको दे। आमीन मम्मा जान, आमीन सुमा आमीन, बिल्कुल। इंसान का इतनी सी जमीन का फखर होता है। सही बात है, हमें बहुत फखर है, अल्लाह ने दी है ना, हमें बहुत खुशी है, अल्लाह का एहसान है लाख लाख। गाइस अम्मी ने जो उनका साग बना लिया है, साग बना के हमने खा भी वैसे लिया है, ये जो सा ये वैसे फ्रीज करने के लिए अम्मी ने रखा है, और बच्चे शरारतें कर रहे हैं। बच्चों हवा ले रहे हो, हवा लेना तो बता
गर्मी अभी तो आ गई है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कैसे, उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे, जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अम्मी जान आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अम्मी जान, ठीक ठाक हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र। तो आज दूसरे तीसरे दिन बाद व्लॉग में आप आए हैं। आप हमें लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि आप खुद गए हुए थे। मैं खुद गया हुआ था, तो इधर नहीं था। आप कैसे आप वो आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसे किया करना है ना, तो आप लोग अपना व्लॉग अपलोड कर दिया करें जी। ठीक है, आप इसी मोबाइल से, तो मैं अपना कर दिया करूंगा अगर कहीं बाहर गया। सही अब ऐसा करेंगे क्योंकि मतलब हमें भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि डेली हम व्लॉग में आते हैं ना, या फिर डेली आना या फिर एक दो दिन के लिए वो स्टे हो जाना, मतलब हम नहीं आ पा रहे हैं, तो वो फिर अजीब सा लग रहा होता है। ऐसा फील होता है जैसे मतलब कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि रूटीन बन जाती है ना इस चीज की। तो हमारी भी ऐसे रूटीन बनी हुई है, हम जब तक व्लॉग ना बनाए अपलोड ना करें फिर उसको हम भी देखते हैं। बल्कि फिर बाद में इस तरह करूंगा कि जैसे जैसे चैनल ये मतलब के ग्रो हो जाएगा, फिर ये वाला चैनल आप लोग अपने लिए रख लेना। ये मेरा नहीं, ये पूरा फैमिली का, सबका सब। हाँ, ये आप लोग रख लेना फैमिली चैनल, ठीक है। मैं अपना जो है ना व्लॉग्स चैनल, एक जिसमें व्लॉगिंग किया करूंगा, ट्रैवलिंग रेस्टोरेंट्स पे डिफरेंट जगह पे जाया करूंगा, रोटी खाया करूंगा, खाने पानी आएगा तो सब खाने पीने के। तो आजकल हर कोई शौकीन है क्योंकि आज ज्यादातर लोग फूडी हो गए हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो मैंने कहा हेल्दी तो मैं वैसे ही हूँ, मैंने कहा चलते फिरते यही काम भी करूंगा और खाऊंगा भी, क्या बात है, जबरदस्त खाना मैंने फिर जी। आपका तो बड़ा जबरदस्त है, बट ये है कि मतलब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, अपने घर में तो बहुत कम हो गया, बहुत कम। अब इसको क्या खिलाते हैं, साग। आज हम खाएंगे साग, साग ते नाल मक्खन ते नाल मक्की की रोटी खाएंगे, मक्की की रोटी बनाएंगे, पराठा खाएंगे, मक्की की रोटी नहीं खाएंगे। वो थोड़ी सी ना हार्ड होती है, वो ज्यादा खाई पेट में दर्द होने लगता है, वो खाई भी नहीं ज्यादा जाती। पराठे के साथ साग ज्यादा खाया जाता है और शौक के साथ खाया जाता है। तो आज तो मम्मा ने बनाया है साग और बहुत मजे का बनाया है, तो आज तो फिर स्पेशली यही खाएंगे। और वैसे भी सबकी पसंद की डिश है साग, किसकी पसंद की डिश नहीं होती, तो सब खाएंगे। तो साग तो फिर तकरीबन मोस्ट फेवरेट। क्या हो रहा है, अच्छा व्लॉग बन रहे हो जी? कैसी बन रही? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? हमारी फैमिली में ना होता भी ऐसे है, जिसको पता लग जाए व्लॉग बन रहा है वो फौरन से आ जाता है कि हमें ना मिसिंग ना होता है। मतलब जब अल्लाह हाफिज हो रहा होता है फिर हारिस रामिन जो आते हैं, वहाँ हारिस रामिन कहते हैं एंड क्यों किया। जैसे ही कोई वीडियो कुछ भी होगी लोग जब वो सुने ना अल्लाह हाफिज, वो फौरन से आते हैं और कह देते हैं अल्लाह हाफिज, उनकी आवाज तो लाजमी लाती है। सबको आदत हो गई है ना, आदत हो गई है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने भी व्लॉग में आना है। रामीन तो स्पेशल प्यार होती रहती है, उसको तो वैसे बड़ा शौक है प्यार होने का। वो तैयार होकर पूछ रही होती है आज व्लॉग नहीं बनाना, दो दिन से हमसे पूछ रही है आज व्लॉग नहीं बनाना। ये हमारा न्यू मेहमान है, छोटी सी प्यारी सी, सबसे क्यूट, ये हमारी क्यूट डॉल है। वाओ, ये है मेरी नमासी, क्या बात है माशाल्लाह। ये पंजाबी में मेरी, आप भी करो, हाय गाइस करो, अनाइसा हाय गाइस करो, कर दो, ये भी वीडियोस बनाती है, बोलती है हाय गाइस, चलो बोलो शाबाश, हाय कर दो ना, शर्मा रही है। कैसे कैमरा चालू है, पता है कि कैमरा चालू है, पता है ऐसे, नहीं तो बड़ी शरारती है वैसे, बहुत शरारत है ना जी, सारे घर से ज्यादा। ये रामीन हारिस की फर्स्ट कजन है, है मीनू, रामीन हारिस, मीनू भी करी जाओ, मम्मा के पास जाओ आप भी, आजा रामीन, आजा आओ अनाजा, आप रामीन की फ्रेंड, और इसकी चुटिया तो दिखाओ दिखाओ और मुंह पे क्या रेड रेड हर जगह मेकअप करती है, ये मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये रामीन और इसने दोनों ने किया हुआ, ये दोनों एक दूसरे का मेकअप कर रही थी, ये कहती मीनू आ जाओ मैं आपकी बहन हूँ, आपका मेकअप मैं करती हूँ और मेरा आप कर दो, तो ये दोनों मिलके मेकअप कर रही थी। वाह भाई क्या बात, मेकअप किया आपने, किसका किया? चले आपस में मिले फिर, मिले डालो प्यार, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त।
चलें जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके और व्लॉग में व्लॉग में जान आ गई है ना, बिल्कुल। तो सारे इकट्ठे हुए ना, ये तेरी बहन है, ये तेरी कजन है, मम्मा सबसे अच्छा रिश्ता वही यही होता है ना दोस्तों का, तो इसलिए वो दोस्त बोल रहे हैं, दोनों ही मानना नॉर्मली है। और मैं तेरे क्या रखती हूँ, वाह जी वाह, और मैं सारे कह रहे होते हैं ना इसलिए। वो भी सुन के, मामू का नाम क्या है, मामू का नाम क्या है, अब्दुल मामू, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मीनू, आपकी क्या लगती है, जी किचन में क्या हो रहा है, हाँ जी क्या हो रहा है, फिर किचन में चाय बनती है, किचन में तो चाय बनती है गाइस, तो जब तक हम चाय ना पिए हमारा दिन नहीं गुजरता। यार क्यों मार पड़वानी है लोगों से, लोगों ने ना मारना शुरू हो जाना है, चाय हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, चाय के बगैर हम काम नहीं कर सकते, और लोगों को इतना गुस्सा आ जाना है यार, बहुत चाय तो अच्छी होती है, चाय तो अच्छी होती है, इतनी तारीफ चाय की कर दी आपने, अब जो उनसा है ना देखना कमेंट्स लोग करते हैं, चलो देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं चाय के बारे में, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको चाय पसंद नहीं है, पर मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं वो कैसे जिंदगी के अच्छे खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करते हैं बगैर चाय के, विदाउट चाय तो मजा ही नहीं आता, नहीं आता, कोई भी मौका हो कुछ भी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, जितना मर्जी अच्छा खाना हो खाने के बाद हमें फील होता है कि हमने चाय पीनी है, जब तक हम चाय ना पिए हमें मजा ही नहीं आता, नहीं आता, सही बात, चले सही आप चाय ले आए फिर पीते हैं हम, जी चाय हमारी जो वो आ चुकी है और अभी हम पीने लगे हैं चाय, सो गाइस अब हम पीने लगे हैं चाय और चाय के साथ ही आपसे मांगते हैं इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, ओके जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।